조조 바자베 마연전에 양기 산행 균에 능견도와 공군교와 मौसम देखिए यार, क्या यार खतरनाक है। हाँ, अब तो यूपी वाले लग रहे हैं। क्या बात, अनबिलीवेबल। क्या करूँ, गूज़बम्प्स आ रहा था इतना बॉडी में। अम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? धर्मशाला दर्शन करने, धर्मशाला। ऑलराइट, तो आपने सुन लिया। तो आज हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि हम निकल चुके हैं चंबा से और अभी पहुंच गए हैं जोत। और यहाँ का मौसम यार काफ़ी ठंडा, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो फॉग कैसा चल रहा है। यहाँ पे अभी भी आपको फील लग रहा है कि यार जैकेट लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यार अभी भी इतना ठंडा है यहाँ पे। और फिलहाल तो सुबह का मौसम है लेकिन मौसम बहुत सुहाना है। और आज हम जाएंगे धर्मशाला क्योंकि पूज्य दलाई लामा जी का दर्शन लेने। और बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बहुत एक्साइटेड। काफ़ी दूर के ढोल सुहाने, दूर पे ढोल चल रहे हैं और मेरी माँ अभी डांस कर रही है देखो। और इस खूबसूरत जगह पे डांस करना काफ़ी लाजमी है। यहाँ पे हमारी सबसे खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी लहानजे और हम भी जा रहे हैं लहानजे दर्शन करने के लिए। वो आ देखो, अभी पूरा जोत का मज़ा ले रहे हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यार विजिबिलिटी ज़ीरो होने वाला है क्योंकि अब ज़्यादा फॉग को कम से कम ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अब कोशिश करेंगे कि यार विजिबिलिटी का ज़्यादा ना बढ़े और थोड़ा स्पीड बढ़ाएं क्योंकि अब दिखाएगा नहीं तो हमें और स्लो चलना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल अपने खूबसूरत आल्टो में हैं जो कि हमारे काफ़ी पुराने गाड़ी है और ये रफ एंड टफ है, आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे को पैसेंजर और को पायलट मिस्टर केसंग, ये हमारे जीजा जी हैं और उसके पीछे देखिए माय सिस्टर और ये मेरे वाइफ। दोनों काफ़ी देर से जोत पहुंचने से पहले घोड़ा बेच कर सोए हुए थे और उनका जो स्नोरिंग और जो खुराटा है, यहाँ हमें गाना सुनने को तो कोई मज़ा ही नहीं आ रहा था। और ये जो देखिए खंडो खंडो, वाह, हाउ आर यू, वाओ खांडो। और अभी गावंग ना यहाँ खाना खाने के लिए रुका हुआ जोत पर, वो देखिए भूखा, पहले रुक गए वहाँ पर खाना खाने के लिए। और हमारी ग्रैंड विटारा, सभी घर खाना खा चुके हैं लेकिन गावंग देखो अभी भी दबा दबा के खा रहा है। और ये है हमारी गाड़ी। और ऑलराइट गाइस, आप देख चुके हैं कि यार काफ़ी ज़्यादा धुंध से हमें प्रॉब्लम हो रहा था, अब देखो बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी। सामने वाला मेरा ग्रैंड विटारा दिखाई भी नहीं दे रहा आप यार, और कम से कम यार 10 फुट की रेंज में होगा और आपको देखो एकदम जीरो विजिबिलिटी। जोत में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ मौसम ठंडा होने की वजह से थोड़ा सा भी अगर मौसम ख़राब हो जाए तो यहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अब आप देख सकते हैं सब इंडिकेटर ऑन हो चुका है क्योंकि यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एमरजेंसी लाइट, क्योंकि यार आजू बाजू गाड़ी को हम पता कैसे लगेंगे आ रहा है कि जा रहा है। तो यही चीज़ देखो, इवन ये स्कूटी वाला भी इंडिकेटर दे रहा है। ओहो, गायब हो गया, गायब, क्या बात है। ये है थोड़ा सा डरावना भी है यहाँ पे क्योंकि यार मोड़ के साइड पे बैरियर लगा नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा डेंजर भी लग रहा है। ओह यार, अब तो अपना गाड़ी तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्या बात है। काफ़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं धर्मशाला और यहाँ पे तो यार मौसम कुछ और ही हालात दिखा रहे हैं, काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रहे हैं क्योंकि धर्मशाला वैसे भी आपको पता ही होगा सेकंड वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल में गिना जाता है, इसलिए मेरे को लगता है इस साल काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के आसार है। अभी हम नॉर्थबुलिंगा जा रहे हैं जहाँ हमारे कज़न लोग रहते हैं और वहीं रहेंगे आज के दिन। भाई धर्मशाला में तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, वहाँ बड़ा तेज, ऐसा लग रहा है शीशा ही तोड़ देगा। ओह माय गॉड, अब बस पहुँचने के लिए थोड़ा ही वक्त रह गया और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है
और इसके वजह से यार डर भी लग रहा है, क्योंकि अब हमारे टायर जो है ना काफ़ी बबलिंग करना शुरू हो गए। और मौसम देखिए यार, क्या यार खतरनाक ही मौसम है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, सुबह के बजे हैं 5:30, तो आखिरकार मेरे पापा मेरे भाई सब रेडी हो गए और मेरी सिस्टर भी रेडी हो गई है। तो वक्त काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा है, तो अब हम जाने वाले हैं मैक्लोडगंज, जहां हम आज पवन पूज दलाई लामा जी के दर्शन के भाग्य हमारे मिलने वाले हैं। तो एलेक्सा टाइगर, तुमने रात को सोने नहीं दिए चिल्ला चिल्ला के। और अभी हम बैठे हैं अपने मामा जी के घर, काफ़ी मैसी है और मौसम आज बारिश हो नहीं रहा है। काफ़ी रात में बारिश ज़्यादा होने की वजह से हमें टेंशन था कि सुबह का क्या होगा माहौल, लेकिन अभी बारिश रुका है तो काफ़ी अच्छी बात है। ऑलराइट गाइस, तो चलें। ऑलराइट गाइस, अब हम निकल पड़े हैं मैक्लोडगंज के लिए। मेरी छोटी सी खांडो माँ, मेरे पापा अपने को पायलट इस बार क्रेटा चला रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फुली पैक्ड होके हम जा रहे हैं। और हमारी छोटी सी मुनिया अभी दूध पी रही है। तो आज काफ़ी अच्छा दिन है, सबको मिलने वाला ब्लेसिंग और हमारे पवन पूज दलाई लामा जी के ओर से, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बारिश भी नहीं हो रहा है। ओ चलो जी मैक्लोडगंज, ओम मणि पद्मे हुम। तो ये है खूबसूरत दलाई लामा टेम्पल, जहाँ हमारे पावन दलाई लामा जी यहीं पर रहते हैं, और यहीं से अंदर को आप जा सकते हैं मंदिर की ओर। तो जैसे ही आप मंदिर के पास पहुँचते हो, वहाँ सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद आप पहुँच जाते हो दलाई लामा टेम्पल, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और काफ़ी देर वेट करने के बाद अब वक्त हो जाता है दलाई लामा जी के दर्शन का, जहाँ सारे लोग रेजिडेंट की ओर जाते हैं। वैसे तो हम जब भी दलाई लामा जी के दर्शन करते हैं हमें दूर से ही मौका मिलता था, लेकिन आज मेरा इतना अच्छा सौभाग्य है क्योंकि दलाई लामा जी के इतने नज़दीक से दर्शन और आशीर्वाद पाने का मौका मिला। और मुझे ही नहीं, मेरे पूरे फैमिली को भी, जो कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो हमारे लहानजे को भी काफ़ी अच्छा ब्लेसिंग मिला पवन पूज दलाई लामा जी से। पेमा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अनबिलीवेबल, ब्लेस्ड फीलिंग, वेरी ब्लेस्ड। और आपको फीलिंग कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गावंग, आपको कैसा फीलिंग लगा? हमारा तो भाई जीवन हो गया यहाँ पे आके। ओ जी मामा, आप तो यूपी वाले लग रहे, क्या बात है। तो ये है हमारे दलाई लामा जी के रेजिडेंट का मेन गेट, और इसी के अंदर, और फ़ोन अलाउड नहीं अंदर, इसलिए अंदर वीडियो नहीं बना पाया। सारे काफ़ी खुश दिख रहे हैं क्योंकि ब्लेसिंग काफ़ी अच्छा मिला, और उर्गेन ने भी काफ़ी अच्छा ब्लेसिंग ले लिया, और चिले ने भी काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज ब्लेसिंग ले लिया है। अनबिलीवेबल, काफ़ी नज़दीक से, जब फोटो सेशन हो रहा था ना, चिल्ले काफ़ी नज़दीक चला गया, उर्गिन का कोई दिखाई नहीं दिया, क्या बात है। मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी इमोशंस के साथ, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, गूज़बम्स आ रहा था इतना बॉडी में, और फिर जल्दी से अच्छे से दर्शन करके हम लोग। अच्छा जी, तो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ऐतिहासिक था क्योंकि पूरे फैमिली के साथ पूज्य दलाई लामा जी का दर्शन लिया, और साथ ही साथ में दलाई लामा जी के टेम्पल में आज पूजा भी था जिसमें हम शामिल भी हुए, और ये काफ़ी भव्य था। तो ये था एक छोटी सी कहानी जो आज मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, और मैं इसी कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए।